Okay, we are starting today's class. We are starting types of partnership. In yesterday's class, we learned what is partnership and what are the merits and demerits and features of partnership, right? So, आज की क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो पार्टनरशिप के टाइप आप देखिएगा. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. देखिए ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप दो टाइप की होती है. एक है पार्टनरशिप एट विल, एक है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट. देखिए पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये है ड्यूरेशन के बेसिस पे. अलग अलग टाइप में हमने डिवाइड किया पार्टनरशिप को. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे जब हम बात करेंगे तो लिमिटेड लाइबिलिटी और एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी, राइट. सो हम इन्हीं दोनों ड्यूरेशन और लाइबिलिटी दोनों के बेसिस पे जो है हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं डिटेल में. सो फर्स्ट पॉइंट इज वेट अ मिनट, फर्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप एट विल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. सबसे पहले हम ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं पार्टनरशिप को. फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल. एट विल का मतलब होता है जब आपने अपनी पार्टनरशिप को, जब आप अपने पार्टनरशिप बनाई है तब आपने उसमें मेंशन नहीं किया कि आप अपनी पार्टनरशिप को कितने टाइम तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं, राइट. सो ये पार्टनरशिप एट विल कही जाती है, जिसे आप कभी भी फ्यूचर में नोटिस दे करके क्लोज कर सकते हैं, राइट. इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, इसलिए इसका नाम है पार्टनरशिप एट विल. क्लियर. सो देखिए यहाँ पे लिखा है दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल और विश ऑफ द पार्टनर्स. इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर वॉन्ट एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव अ नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप टू द फर्म. क्लियर. देखिए यहाँ लिखा है इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है वो एग्जिस्ट करती है एट विल. एट विल मतलब जिन्होंने पार्टनरशिप बनाई है उनकी इच्छा पर निर्भर करती है कि वो कब तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप को, राइट. और यहाँ पे फिर आगे लिखा है इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर वॉन्ट. देखो ये तब तक चलती है जब तक पार्टनर इसे चलाना चाहते हैं, राइट. एंड इज टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड का मतलब होता है बेटा आप इसे क्लोज कर सकते हैं व्हेन एनी पार्टनर गिवन नोटिस ऑफ विड्रॉवल. समझो आप कब इस टाइप की पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जब कोई पार्टनर अपने पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के जाने का नोटिस देता है तब आप इस पार्टनरशिप को खत्म भी कर सकते हैं. सो पार्टनरशिप एट विल इन शॉर्ट एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसकी कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, राइट. जब तक पार्टनर चाहे तब तक वो पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं और जब वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना चाहते हैं तो पार्टनर्स पब्लिक नोटिस दे करके पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर सकते हैं. पब्लिक नोटिस का मतलब एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डलवा दें कि भाई हम हमारी पार्टनरशिप को अब यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, अब इस बिजनेस के हम दो पार्टनर नहीं होंगे, हम हमारा बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, पार्टनरशिप ही खत्म कर रहे हैं, राइट. सो ये कहलाएगी पार्टनरशिप एट विल. क्लियर है यहां तक. नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. देखिए जी पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है. ओके दे देंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप अगर आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको मैं बता दूं यहाँ से आप ना जो है वो यहाँ से आप फिलहाल चलिए आप हो जाइए कनेक्ट हो जाइए, मैं दे दूंगा आपको यहाँ से, ठीक है. ओके सो नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट. पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब जब आपने पार्टनरशिप को किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए क्या किया है, आपने उस पार्टनरशिप को पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई रोड्स बनाने वाली कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कोई एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं. सो वहां पे दो कंपनीज ने आपस में मिलकर के टाई अप किया, टाई अप इन द सेंस पार्टनरशिप बनाई है, दो लोगों ने आपस में मिलकर के पार्टनरशिप बनाई है, एक वो जो मटेरियल के साथ डील करेगा, एक वो जो लेबर के साथ डील करेगा. सो दो लोग मिलकर के आपस में एक पार्टनरशिप बना रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, यानी एक पर्टिकुलर जो है वो बिल्डिंग बनाने के लिए, राइट. सो उसे हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे. जैसे वो बिल्डिंग बनकर के खत्म हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, सो वहां पे उनकी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी. क्लियर. सो यहाँ पर लिखा क्या है देखिएगा, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे. देखिएगा लिखा है पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग
और एन एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. देखो यानी अगर आपने पार्टनरशिप को किसी अकम्प्लिश किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बनाया है, या लिखा है पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और एन एक्टिविटी. आपने कुछ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए या कोई एक्टिविटी के लिए कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप की है वो एक... फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. हाँ ओके टू बी कैरिड ऑन अ फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. ठीक है, तो आपने क्या किया है यहाँ पे जो पार्टनरशिप बनाई है वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बनाई होगी. स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का मीनिंग क्या होता है बेटा, आपने जब पार्टनरशिप बनाई है तो वहां पे आपने मेंशन किया है, एक एक चीज को मेंशन किया है कि आप कितने टाइम तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, और वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा सो आप अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो है वो होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसे ही हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे. राइट, क्लियर होता है यहां तक? नेक्स्ट इज इट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज फॉर्मड इज फुलफिल्ड और व्हेन द टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर. देखो ये कब डिसॉल्व होती है, इट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली ये कब डिसॉल्व होगी, जब आपने इसको जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया था अगर वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है या वो पर्पस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, हाँ, तो फिर ये जो है या इसका ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाता है तब भी ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी. दो तरीके से ये डिसॉल्व होती है. देखिएगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप को एक बार फिर से देखते हैं. देखिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अगर आपने कोई पार्टनरशिप बनाई है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी को आप कैरी करना चाहते हैं, एक्टिविटी टू बी कैरी फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. देखो या तो आप किसी एक टाइम पीरियड के लिए ये पार्टनरशिप बना रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप ये पार्टनरशिप बना रहे हैं, राइट, तो इसे हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे. सो जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है, जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया कि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाने के लिए दो लोग आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक पार्टनर जो है वो लेबर्स के साथ डील कर रहा है, मतलब लेबर्स उसके पास आ रही है, और दूसरा जो है वो सारा मटेरियल के साथ डील कर रहा है. सो दो लोग मिलकर के पार्टनरशिप बना रहे हैं एक बिल्डिंग को बनाने के लिए. अब मान लीजिए 4 महीने में वो बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाती है, सो 4 महीने के बाद उनकी जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी. क्लियर है, सो इसे हम लोग कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप. क्लियर, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. अगर मैं लाइबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करूं, सो बेटा लाइबिलिटी के बेसिस पे इसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप एंड सेकंड इज लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी कह सकते हैं. सो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है बेटा, इन दिस द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड. देखो जनरल पार्टनरशिप की ही मैंने आपको मीनिंग ऊपर पढ़ाई थी, जब मैंने आपको पढ़ाया भी था तो मैंने लिखवाया भी था कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको जनरल पार्टनरशिप की, बताओ एक बार मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे हमारी ये बात हुई थी. मेरी बात हुई थी यहाँ पे आपको लाइबिलिटी को लेकर के, यहाँ पे मैंने लिखा था द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सो मैंने आपके सामने ब्रैकेट में लिखवाया था मैं जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ जब फीचर्स पढ़ा रहा हूँ. There is another type of partnership firm also, which is limited liability partnership. Limited liability में limited नहीं होती सारे partners की liability, right? So अभी difference पता चल जाएगा जैसे हम लोग पढ़ेंगे. So लिखा है in this the liability of a partner is unlimited, right? So general partnership में जो partners की liability होती है वो unlimited होती है. And joint मतलब क्या होता है, अगर कभी मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म को बहुत मोटा लॉस हो जाता है तो सारे के सारे पार्टनर्स मिल करके उस लॉस का पेमेंट करेंगे. अपनी पर्सनल असेट बेच करके भी अगर उन्हें पेमेंट करना पड़े तो वो करना पड़ेगा, राइट. पहले तो फर्म की असेट्स बेची जाएगी, उसके बाद भी अगर कोई लाइबिलिटी पे नहीं होती तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स भी सेल आउट करके जो है वो जॉइंटली डेट का पेमेंट करना पड़ेगा. दिस इज द मीन ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप, राइट. नेक्स्ट इज द पार्टनर्स इंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. समझो यहाँ पे क्या होता है, जो जनरल पार्टनरशिप होती है इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पास राइट है कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब बिजनेस में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट. एंड देयर एक्ट आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल ऑन द फर्म. और ये जो भी काम करते हैं, जो भी पार्टनर्स ये काम करते हैं, ये एक दूसरे को बाइंड करते हैं. बाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक पार्टनर ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बाकी के पार्टनर्स भी उसके साथ बाइंड है उस काम को करने के लिए, राइट. सो
रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज ऑप्शनल, यहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये बात हमारी हो चुकी है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, ये भी जनरल पार्टनरशिप के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेट लुन्सी एंड सॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। देखिए जनरल पार्टनरशिप भी एक कंटिन्यूसली एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई पार्टनर पागल हो जाता है तो भी ये जो जनरल पार्टनरशिप है ये कम्स टू एन एंड, ये इनका इसका एंड हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो है वो डेथ लुनेसी या इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट से अफेक्ट होती है, यानी पार्टनर्स के रिटायर होने पे, डेथ होने पे और उनकी इंसॉल्वेंट होने पे पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट जनरल पार्टनरशिप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आप इसे LLP भी कह सकते हैं, शॉर्ट में इसे LLP भी कहा जाता है, मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ, देखिएगा LLP। सो अभी आ जाएगा, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ लिखा है इन दिस द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर इज द रेस्ट मे हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो जी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एक या हो सकता है दो या तीन लोग मिलकर के बोल दें कि हाँ भाई हम लोग हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रखना चाह रहे हैं, बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ना, इसकी अनलिमिटेड होगी, एक की अनलिमिटेड होगी, बाकी की सबकी क्या होगी, बाकी की सबकी लिमिटेड होगी। रेस्ट यह लिखा है, देखिएगा रेस्ट में है लिमिटेड लाइबिलिटी, क्लियर। तो एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड बाकी सबके लिमिटेड हो तो उसे हम कहेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है समझो, अगर कभी पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस हो जाए, बहुत मोटे लॉस हो जाए, तो उस केस में जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, उसे अपनी पर्सनल असेट बेच करके भी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी अगर फॉर्म के असेट बेचने के बाद भी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं होता है, और जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो फर्म में उनका हिस्सा था ना बस वहीं तक सीमित है, राइट। मान लीजिए मैंने फर्म में 10 लाख रुपीज लगाए, तो अगर फर्म को बहुत मोटा लॉस भी होता है और मैं लिमिटेड मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है मेरी पार्टनर की, ठीक है, तो 10 लाख रुपए जो मैंने लगाया ना बिजनेस में बस वही डूबेगा मेरा, और कुछ नहीं डूबेगा, राइट। सो ये वाली बात आती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, ठीक है। नेक्स्ट इज आगे लाइन लिखी है इसकी, सच पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ लुनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर्स। जरा ध्यान से समझना, जो भी लिमिटेड पार्टनर्स हैं अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, उनमें से कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, सो वहां पे उस केस में ये पार्टनरशिप जो होती है ये टर्मिनेट नहीं होगी। टर्मिनेट कब होगी, जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो टर्मिनेट हो जाएगी, राइट। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अगर लिमिटेड लाइबिलिटी जिन पार्टनर्स की है अगर उनकी डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होगी। पार्टनरशिप टर्मिनेट कब होगी, जब जिस पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तभी पार्टनरशिप आपकी जो होगी वो टर्मिनेट होगी, राइट। The limited partners do not enjoy the right of management. समझो। अब जिन partners की liability limited है, तो इनके पास किसी तरीके का right नहीं है कि management में participate कर सके, right? And their act do not bind the firm or other partners. जिन partners की liability limited है, ना तो वो किसी अपने काम से किसी और को bind कर सकते हैं, right? अगर वो किसी के साथ contract कर लें तो contract भी नहीं माना जाएगा, है ना? रजिस्ट्रेशन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कंपलसरी होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। किस पार्टनरशिप का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और जनरल पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है। इफ यू वांट देन यू मे रजिस्टर योर पार्टनरशिप फॉर्म, और अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं भी करवाए, कब, जनरल पार्टनरशिप में। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में इट इज कंपलसरी टू हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। रजिस्ट्रेशन के पीछे वजह ये होती है ताकि ये क्लियर हो जाए ना कि पर्सन कौन सा पार्टनर है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, राइट, दैट्स व्हाई, क्लियर। ऑब्वियसली बात है आप ये समझ सकते हो, जिस पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी उसको प्रॉफिट में हिस्सा भी कम मिलेगा, जिसकी अनलिमिटेड होगी उसे प्रॉफिट में हिस्सा भी ज्यादा मिलेगा, क्लियर है।
आपके मन में आ रहा होगा ना सर, फिर तो कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी ही चूज करेगा, वहां पे अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी चूज करेगा, अनलिमिटेड क्यों चूज करेगा? सो मैं उसका आंसर बता रहा हूँ कि बेटा जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी उसको प्रॉफिट में शेयर भी लिमिटेड मिलेगा, जिसकी जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी उसको प्रॉफिट में शेयर भी उतना अच्छा मिलेगा, राइट? सो ये हमारी पार्टनरशिप की बात खत्म होती है। पार्टनरशिप हमने देखा अभी, एक तो लाइबिलिटी के बेसिस पे और एक ड्यूरेशन के बेसिस पे, राइट? दोनों टाइप की पार्टनरशिप हमने डिटेल में डिस्कस की है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, फर्स्ट इज जनरल और एक्टिव पार्टनर है। देखो, पार्टनर्स भी कई तरीके के होते हैं, उन पार्टनर्स को भी हमें क्या करना है, पढ़ना है, राइट? देखिए, सबसे पहले एक्टिव पार्टनर, नाम से समझ आ रहा है, एक ऐसा पार्टनर जो अपने पार्टनरशिप फर्म में जो है वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर रहा है ना, सारी की सारी एक्टिविटीज में पार्ट ले रहा है, मैनेजमेंट बिजनेस का संभाल रहा है, उसे एक्टिव पार्टनर कहेंगे। सच अ पार्टनर इज एक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, है ना, फर्म के मैनेजमेंट में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए उसे एक्टिव या जनरल पार्टनर कहते हैं। जो भी पार्टनर बिजनेस संभालता है हाँ ना, बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट में डिसीजंस लेते हैं, उन्हें हम लोग एक्टिव पार्टनर कहेंगे, ठीक है। स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर, स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर किसे कहते हैं? देखिए, नाम से समझ आ रहा है, ऐसे पार्टनर जो सोते रहते हैं, नहीं सोते रहते वाली बात नहीं है, यहाँ है ऐसे पार्टनर्स जो कि बिजनेस में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी तरीके से एक्टिव नहीं होते, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप में और प्रॉफिट और लॉस लेते हैं। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ऐसे पार्टनर्स की, लेकिन ये लोग बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। ये फर्म के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, हालांकि ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और साथ में प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं, और इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, बट सिर्फ ये मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट्स व्हाई इन्हें स्लीपिंग या डोमिनेंट पार्टनर कहा जाता है। थर्ड पार्टनर का टाइप है सीक्रेट पार्टनर। आप मान के चलिए इसमें से एक कंफर्म एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, सीक्रेट पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स होते हैं? ही पार्टिसिपेट इन द बिजनेस सीक्रेटली, ऐसे पार्टनर जो लोगों के सामने, जनता के सामने पार्टनर नहीं है, ये सीक्रेटली पार्टनर बन रहे हैं, है ना, हिडन पार्टनर जिसे आप कह सकते हैं, है ना, ये बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं सीक्रेटली। सीक्रेटली का मतलब क्या है? विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म टू जनरल पब्लिक। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसे पार्टनर जो पब्लिक को बताए, जनरल पब्लिक को ना बताते हुए किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर होते हैं, उन्हें हम लोग सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। अच्छा, लोगों को नहीं पता बट फिर भी इनकी लाइबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, ठीक है। यानी अगर बिजनेस को लॉस हो जाए तो इनको सीक्रेट पार्टनर्स को भी अपने घर से पैसा चुकाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने तीन टाइप के पार्टनर्स देखे, जनरल या एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर, और थर्ड था सीक्रेट पार्टनरशिप, सीक्रेट पार्टनर्स, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर, देखिए अब इसमें क्या है, नॉमिनल फोर्थ पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर, राइट? सो नॉमिनल पार्टनर कौन से पार्टनर्स होते हैं? नॉमिनल हिंदी मीनिंग होता है इसका नाम मात्र के, ऐसे पार्टनर्स जो केवल नाम के लिए अपने पार्टनर्स बने हैं। सो यहाँ पे लिखा है सच अ पार्टनर ओनली गिव्स हिज नेम एंड गुडविल टू द फर्म, ऐसे पार्टनर जो कि फर्म को केवल अपना नाम देते हैं, क्या देते हैं? केवल अपना नाम देते हैं, जिससे कि उस नाम को यूज करके फर्म अच्छा मुनाफा कमाती है, एंड गुडविल टू द फर्म, यानी गुडविल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे अभी बात करूं, सो लाइक अगर हम जैसे मैं मान लीजिए कि आप हमारा जो कोचिंग क्लास है उसे मैं एसोसिएट कर दूं अकेडमी के साथ, वाईफाई के साथ, सो लाइक एक एक नाम जुड़ जाता है, राइट? सो इससे क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो ना तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना ही प्रॉफिट लेते हैं बिजनेस से, सिर्फ अपना नाम देते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, राइट? ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, ना तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ना ही इनको प्रॉफिट मिलेगा, ना ही इनको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है, ठीक है, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो नॉमिनल पार्टनर क्लियर हो गया, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ अपने नाम को पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है, अपनी गुडविल यूज करने के लिए दे रहा है, ना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा कौन व्यक्ति होगा
जो सिर्फ अपना नाम यूज करने ही ले लेगा और लाइबिलिटी पूरी लेगा। देखो बेटा, ऐसा हो सकता है ना कि कोई पार्टनरशिप हम ऐसी है जिसके कोई रिलेटिव्स है जो बहुत अच्छे नामी लाइक बिजनेस चला रहे हैं, तो वो अपना नाम दे सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर ऐसे पार्टनर्स बनते हैं तो इनको फॉर्म्स इनकी इनके नाम देने के बदले में, इनकी गुडविल के बदले में इनको कुछ कंपनसेशन देती है, राइट। कोई भी फ्री में काम नहीं करता, कोई भी फ्री में अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं लेगा जब तक कि उसको उसके बदले में कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स ना दिए जाए। प्रॉफिट्स नहीं देते हैं, बट कुछ हो सकता है इनको इनके नाम के बदले में कुछ अमाउंट दिया जाए, राइट। फिफ्थ जो टाइप है पार्टनर का, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बेटा, पार्टनर बाय स्टोपल्स। स्टोपल्स मतलब होता है दिखावटी पार्टनर, दिखावट के लिए बनाया गया पार्टनर। ही इज द वन हु बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट गिव इम्प्रेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, वेयर इज एक्चुअली ही इज नॉट। समझो, पार्टनर्स बाय स्टोपल ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि अपने शब्दों से या अपने बिहेव से, अपने कंडक्ट से ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि ये वो किसी फर्म के पार्टनर हैं। किसको देते हैं ऐसा इंप्रेशन? आउटसाइड वर्ल्ड को, यानी बाहरी दुनिया को बताते हैं कि भैया ये तो मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, ठीक है। वेयर इज ही एक्चुअली नॉट, वो वास्तविकता में तो वो कोई पार्टनर नहीं है, राइट। सो देखिएगा, वेयर इज एक्चुअली ही इज नॉट। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, एक मेरा फुटवेयर का शॉप है, मैं आपसे बात करता रहता हूँ, फुटवेयर का शॉप है। अब फुटवेयर के शॉप में मान लीजिए, मेरे फुटवेयर की शॉप पे मेरा एक फ्रेंड बैठा है, राइट। अब मेरी शॉप पे कोई ऐसा कस्टमर आता है जो कि मेरा तो नोन नहीं है, बट मेरे फ्रेंड का नोन है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वहां पर जब वो शॉपिंग कर रहा है, वो दो चार शूज ले रहा है मुझसे, और वो पूछता है उस मेरे फ्रेंड से कि आप यहाँ कैसे? वो कहता है कि अपनी शॉप है यहाँ का, मैं ही मालिक हूँ, है ना, वो मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है। सो अब वो क्या कर रहा है, वो दिखावट तक कर रहा है। वहां पे वो अपने कंडक्ट से, अपने वर्ड से आउटसाइड वर्ल्ड को ये बताना चाह रहा है कि वो उस फर्म का पार्टनर है, लेकिन एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है, यानी वो शॉप मेरी है। मान लीजिए हम तीन अलग अलग पार्टनर थे, वो फोर्थ बंदा मेरा फ्रेंड आकर के बैठा है। अब वो अपने कंडक्ट से, अपने वर्ड से शो कर रहा है कि ये मेरी ही शॉप है, मैं इसी का मालिक हूँ। सो इसका मतलब जो कस्टमर आया, उसके मन में तो एक एक इमेज बन गई ना कि हाँ यार, ये तो शॉप इन्हीं भैया की है, राइट। सो वहां पर जैसे ही वो ये ऐसा दिखावटी बिहेव करता है वो पार्टनर, तब से वो पार्टनर बाय स्टोबल कहलाता है। अब आगे सुनिएगा, His liability is unlimited. अब देखो, ना तो उसने पैसा लगाया पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन फिर भी उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है थर्ड पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने उसने ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि वो उस पार्टनरशिप, वो हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, एक्चुअली में वो नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, his liability is unlimited towards the third party who has entered into dealing with firm on the basis of his pretension. समझो, यानी कि अगर कोई कस्टमर है जो, सपोज करना, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, कोई कस्टमर है वो मुझे देख करके प्रॉफिट नहीं ले रहा है, लेकिन मेरे फ्रेंड को देख करके ले रहा है, बिकॉज वो मेरे फ्रेंड का बहुत अच्छा नोन है, राइट। और मेरा फ्रेंड ये शो अप कर रहा है उसके सामने कि हाँ, ये शॉप मेरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर ये शू फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं गारंटी देता हूँ। वो ऐसी बातें कर रहा है वहां पे बैठ करके, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। अब क्या होगा जब वो इस बात को कस्टमर के साथ कर रहा है, तो कस्टमर ने उसके साथ डील कर लिया, एक तरीके से वो डीलिंग हो गई। अब कस्टमर वो प्रोडक्ट लेकर के जा रहा है, सपोज 2 महीने के बाद या 2 दिन के बाद वो वापस आता है, कहता है भैया ये जो शू है ये तो फट गया ना, इसमें ये प्रॉब्लम हो गई ना, ये प्रॉब्लम हो गई। अब उस केस में वो जो पार्टनर है, मतलब वो जो पार्टनर नहीं था, मेरा फ्रेंड, वो एक्चुअल में पार्टनर का स्टोपल ट्रीट होगा और लाइबिलिटी उसी की होगी। वो शू जो फट गया है उसके लिए वो पर्सन लायबल है, वो जो मेरा फ्रेंड है वो लायबल है, उससे पेमेंट करना होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पार्टनर्स बाय स्टोपल। कंफर्म क्वेश्चन बनता है, पार्टनर्स बाय स्टोपल या पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट जो नेक्स्ट पार्टनर का मैं टाइप बता रहा हूँ, इन दोनों में से एक कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कंफर्म बनता है। सो समझना, कंफर्म क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों सिमिलर से लगते हैं दिखने में, ठीक है। आइए जरा आगे चलते हैं। यहाँ पर इस पार्टनर की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी थर्ड पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसने डील किया है फर्म के बेसिस पे अपनी फॉल्स मिसप्रेजेंटेशन के थ्रू, यानी जो मेरे मेरा फ्रेंड है उसने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया अपने आप को एज अ पार्टनर उस कस्टमर के सामने, और कस्टमर के साथ उसकी डील हो गई, ठीक
अब वो खुद रिप्रेजेंट, वो जो मेरा फ्रेंड है वो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ये बात समझ आ गई आपको? पूरा एग्जांपल समझ आ गया? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पार्टनर्स बाय स्टोपल किसे कहते हैं। बेटा देखो, पार्टनर्स बाय स्टोपल मतलब दिखावटी पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो एक्चुअल में पार्टनरशिप उनका पार्टनर नहीं है, बट वो अपने कंडक्ट से, अपने वर्ड से ये रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड वर्ल्ड को कि वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता। सो इस केस में अगर कोई कस्टमर है, उसने अगर डील किया है उस स्टोपल पार्टनर के बेसिस पे, उसकी बातों पे डील की है, तो वहां पे उस केस में अगर कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए वो पार्टनर बाय स्टोपल, स्टोपल जो पार्टनर होगा, दिखावटी जो पार्टनर होगा, वो लायबल होगा किसी भी लॉस के लिए। राइट, दिस इज द पॉइंट ऑफ पार्टनर्स बाय स्टोपल। क्लियर है? अब आइए जरा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट की तरफ चलते हैं। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, सो ऐसा पार्टनर जिसने अपने स्टेटस को होल्ड कर लिया, सपोज कीजिएगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको इसको, पूरे एग्जांपल को समझना। वापस मैं यही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैंने अभी आपके सामने लिया था। एग्जांपल क्या है, बहुत सिंपल है, सुनिएगा। मेरा फ्रेंड मेरी शॉप पे बैठा है, वी आर ऑलरेडी थ्री पार्टनर्स। मेरी एक शॉप है फुटवेयर का, उसमें तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। अब मेरा फ्रेंड आ रहा है, वो मेरी शॉप पे बैठा है, राइट। कस्टमर आया, कस्टमर मेरा मिलने वाला नहीं है, किसका है, मेरे फ्रेंड का मिलने वाला है। यहां तक का केस पार्टनर बाय स्टोबल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का सेम है, राइट। अब जब वो कस्टमर आता है और वो कोई प्रोडक्ट मुझसे बाय कर रहा है, राइट। अब वो जब देख रहा है, मेरे फ्रेंड को देख रहा है जो कि उस कस्टमर का भी रिलेटिव है, मिलने वाला है, सो वो पूछा है कि क्या है ये आप ही की शॉप है। सो वो मेरा फ्रेंड कुछ नहीं कह रहा, अब मैं कह रहा हूँ, जो एक्चुअल पार्टनर है ना, वो कह रहा है हाँ ये इसी की शॉप है, हाँ ये इसी की शॉप है, और आपको जो लेना है वो ले लो, ठीक है, प्राइस ये लगा देंगे। क्लियर? अब ऐसा करने से क्या हुआ, मैंने यानी जो रियल पार्टनर था उसने एक थर्ड पर्सन को पार्टनर ट्रीट कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, बट उसने इस बात को इनकार भी नहीं किया, उसने इस बात को मना भी नहीं किया कि हाँ मैं पार्टनर नहीं हूं। यानी मेरे फ्रेंड ने, जब मैंने ये बात बोली उस कस्टमर से कि हाँ ये इसी की शॉप है या इन्हीं की शॉप है, यही मालिक है शॉप के, सो उस केस में अगर मेरा फ्रेंड इस बात से मना कर देता तो वो वहीं पे कोई पार्टनर नहीं बनता। बट उसने, वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। सो जो कस्टमर था उसके मन में क्या आया, हाँ ये जो भैया है वो भी इसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है, राइट। सो इसे हम लोग कहेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसको पूरा समझना अच्छे से, मैं यहाँ पे जो लिखा है, He is the one who is falsely declared partner. देखो, ये वो पार्टनर होता है जिसको गलती से नहीं, फॉल्सली मतलब झूठ मूठ से हमने पार्टनर डिक्लेयर किया है ऑफ द फर्म, वेयर इज एक्चुअली ही इज नॉट, और वो एक्चुअल में कोई पार्टनर नहीं है। आगे बात में, मैंने मेरे फ्रेंड को मैंने डिक्लेयर किया है फॉल्सली कि हाँ वो मेरा पार्टनर है, इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट। इसके बाद भी, अवेयर होने के बाद, मतलब ये बात जानने के बावजूद भी, जो मेरा फ्रेंड है ही डज नॉट डिनाई इट, वो इस बात से मना ही नहीं करता कि वो पार्टनर नहीं है, राइट। सो वो पार्टनर नहीं है, इस बात से वो मना ही नहीं करता है। सो अब वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहलाएगा, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में भी इसकी लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, ऐसे पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है टुवर्ड्स द पार्टी हु हैज डील विद फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्लेरेशन। अब जो कस्टमर आया, उस कस्टमर के सामने जैसे मैंने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया मेरे फ्रेंड को एज अ पार्टनर, सो अब अगर वो कोई पार्टी मेरे साथ डील कर रही है, क्योंकि मैंने उसे फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है कि मेरा फ्रेंड भी मेरी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, और मेरा फ्रेंड उसका बहुत अच्छा मिलने वाला है, सो इस बेसिस पे अगर उस पर्सन ने मेरे साथ डील की है, सो अब उस केस में वो जो मेरा फ्रेंड है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि उसने इस बात से डिनाय नहीं किया, राइट। सो इसे पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कहा जाएगा। सो दोनों आपको बिल्कुल सिमिलर सिमिलर से ट्रीट होते हुए दिखेंगे, बट दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। पार्टनर्स बाय स्टोपल में तो वो मेरा फ्रेंड यानी थर्ड पार्टी है, आउटसाइडर, वो खुद ऐसे बिहेव कर रहा है और ऐसे वर्ड्स कह रहा है कि मैं पार्टनर हूं, एक्चुअल में वो नहीं है, बट वो अपने बिहेव से रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टनर है। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में वो पर्सन कुछ नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर रही है, रियल पार्टनर जो है वो ऐसा डिक्लेयर कर रहा है कि जो मेरा फ्रेंड है वो क्या है, एक्चुअल में पार्टनर, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। आई बात समझ में? तो ये होता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, फिफ्थ और सिक्स को, इन दोनों में से आप कंफर्म मान के चलिए एक एग्जाम में क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है।
सो आज की क्लास में बेटा यही दो टॉपिक्स मैंने आज लिए हैं, एक तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब अगर इसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, फिर हम लोग कल की क्लास में इसके आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप होने वाला है। यस बता दीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आराम से आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता दो। ओके राइट, सो कोई डाउट नहीं है आपको। सो हम लोग इस क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।